हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। सो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेरस मेटल्स एंड एलॉयज। सो फेरस मेटल्स का मतलब हुआ जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन हो, एंड एलॉयज यानी हम इसमें कुछ और भी मेटल्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, और उसका कंपोजिशन क्या होगा वो हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि किस तरह का उसका यूज है उस अकॉर्डिंग। ओके, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 2 से 5% के बीच होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन कोर्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। कास्ट आयरन हार्ड होता है और ब्रिटल भी होता है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो एक बात आप लोग याद रख सकते हो कि जब भी कार्बन का परसेंटेज थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो उस केस में जो मटेरियल होगा वो हमारा हार्ड होगा और ब्रिटल भी होगा। कास्ट आयरन को हम लोग हार्डेंड कर सकते हैं सडन हीटिंग एंड कूलिंग से, लेकिन इसे हम लोग फोर्ज या वेल्ड नहीं कर सकते हैं। कास्ट आयरन को फोर्ज या वेल्ड नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है कास्ट आयरन का अच्छा होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कास्ट आयरन का सही नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट कास्ट आयरन का 1200 से 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कास्ट आयरन शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कास्ट आयरन कैन नॉट एब्जॉर्ब शॉक। सो कास्ट आयरन को हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसे हम लोग बेड प्लेट्स में, कॉलम्स, ब्रैकेट्स वगैरह में यूज करते हैं। यूज फॉर मेनली मशीन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। ऐसे मशीन पार्ट्स जो मेनली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन होते हैं, यानी जिन पर कंप्रेशन लोड लग रहा होता हो, तो जैसे हो गया लेथ बेड, जो लेथ मशीन असेंबल्ड होता है जिस बेड के ऊपर, उसे हम लोग लेथ बेड कहते हैं, और वो कास्ट आयरन का बना होता है। और इसे हम लोग सीवर पाइप्स, मैन होल कवर्स वगैरह में यूज करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा राउट आयरन। तो बताइए जरा कास्ट आयरन का परसेंटेज क्या होता है? कास्ट आयरन में आयरन का परसेंटेज, सॉरी, कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? तो 2 to 5% कार्बन होता है। ये रेंज जो है थोड़ा वेरी कर सकता है, मगर ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपको कहीं भी मिलेगा, तो इसे याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा राउट आयरन। राउट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0 से 0.25% के बीच होता है, और इसका स्ट्रक्चर फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, ब्लूइश इन कलर। तो राउट आयरन का जो टफनेस होगा और इलास्टिसिटी होगा वो बेटर होगा कास्ट आयरन से। कास्ट राउट आयरन को हम लोग हार्डन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे फोर्ज और वेल्ड जरूर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 1530 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, राउट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कम है, ठीक है, इसलिए ये मेलेबल भी होगा और डक्टाइल भी होगा, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, साथ ही साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है राउट आयरन का। एंड राउट आयरन इज गुड, हैव गुड शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। सो इसे हम लोग यूज कहाँ करते हैं? राउट आयरन को हम लोग मेनली चेन्स में, हुक्स में यूज करते हैं, आयरन जॉइंट लाइक रेलवे कपलिंग में भी यूज करते हैं। सो गाइज, राउट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 0 to 0.25%। सो नेक्स्ट है हमारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को हम लोग लो कार्बन स्टील भी कहते हैं, और इसमें कार्बन का परसेंटेज अप टू 0.35% होगा। इसका स्ट्रक्चर ब्राइट फाइबरस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये टफ होगा और इलास्टिक प्रॉपर्टीज भी अच्छा होगा। इसे हम लोग हार्ड एंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग आसानी से फोर्ज कर सकते हैं, वेल्ड भी कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी अच्छा होगा। कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? 0.35। ओके, इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग, इन मेकिंग फास्टनर, फॉर मेकिंग सीट, मेटल सीट बनाने में यूज होता है। सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील, जिसे हम लोग हार्ड स्टील भी कहते हैं। हार्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.5 to 1.3% होता है,
इसका स्ट्रक्चर फाइन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है और टफनेस भी अच्छा होता है। कैन बी हार्डेंड बाय हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसे हम लोग आगे देखेंगे, इसे हम लोग हार्डेंड कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से, इसे हम लोग फोर्ज और वेल्ड भी कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई कार्बन स्टील का 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये ब्रिटल होता है और डक्टाइल कम होता है, लेस डक्टाइल। सो गाइज, कार्बन का परसेंटेज कितना है हमारा हाई कार्बन स्टील में? 0.5 to 1.3% कार्बन। एप्लीकेशन, इसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं? यूज फॉर मेकिंग डाइज, डाइज बनाने में यूज करते हैं, रोल्स बनाने में यूज करते हैं। रोलिंग ऑपरेशन है, एक तरह का फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है रोलिंग, इसे रोलिंग प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। टूल्स बनाने में यूज करते हैं कटिंग ऑपरेशन के लिए। सो गाइज, नेक्स्ट है हमारा अलॉय स्टील। अलॉय स्टील कंटेन डिफरेंट मटेरियल एज अलॉइंग एलिमेंट अलॉन्ग विथ कार्बन। कार्बन के साथ साथ कुछ अलॉइंग एलिमेंट भी हम लोग यूज करते हैं तो उसे हम लोग अलॉय स्टील कह लेते हैं। अलॉय स्टील्स हैव बेटर प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू कार्बन स्टील। कार्बन स्टील से बेटर प्रॉपर्टीज होगा हमारा अलॉय स्टील में, चाहे वो हार्डनेस हो या टफनेस हो या स्ट्रेंथ हो। कोरोजन प्रॉपर्टीज भी बेटर होगा कार्बन स्टील के कंपैरिजन में। हार्डनेबिलिटी, फोर्जेबिलिटी, वेल्ड एबिलिटी, ये सब बेहतर होगा हमारा स्टील में, अलॉय स्टील में कार्बन स्टील के कंपैरिजन में। यूज़ हम इसे करते हैं ऑटोमोबाइल व्हील्स में, इसे कोरोजन रेसिस्टेंट बनाने में। यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, डेकोरेटिंग प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं, प्लम्बिंग फिटिंग वगैरह में यू भी यूज करते हैं। सो गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। हर जितना भी चीज़ मैंने बताया उनमें कार्बन का परसेंटेज आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से आपको प्रॉपर्टीज समझ में आएगा किसका क्या प्रॉपर्टी है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।